for the first time I have a gap in my t-shirt, like you know, between the my body is not touching the edge of my t-shirt. अपने साथ ऐसे कभी कभी होता है ना, अपने को लगता है टी शर्ट में कीड़ा घुस गया होता है तो अपने क्या करते हैं, तुरंत झाड़ते हैं. मैंने भी झाड़ा पर कुछ निकला ही नहीं और मेरी बहुत फट गई कि मेरे जो कीड़े वाली फीलिंग थी ना, वो कट 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 वाला कीड़ा नहीं था, वो वाला कीड़ा था. लाइक फक, ये तो कुछ बड़ा घुसा था यार, पागल है क्या, कैसे अभी भी अंदर को. फिर झाड़ा, फिर कुछ नहीं निकला. देख रहा हूँ, नहीं यार था तो सही, ऐसा तो कन्फ्यूजन हो नहीं सकता. पता क्या था, ये क्यों है? कोई भी रीजन बोल दो, ये क्यों है? हम मार्स पे पहुंच गए, ये क्यों नहीं निकल पा रहा हमारे कपड़ों में से? हर कपड़े में क्यों ये ऐसे और है क्या ये? है ये क्या क्रैश कोर्स धोबी के लिए लगा रखा है तुमने यहाँ कि एग्जाम से पहले रिवाइज कर ले, कहीं तो कपड़े धोना भूल गया. हर कपड़े में यार, हर मैंने जो टी शर्ट पहनी थी ना, उसमें 6 पन्ने थे, 6 पेज रिटन बैक एंड फॉर 12 पेज इंफॉर्मेशन. यहाँ पे कर रहे हर वक्त 12 पेज मैनुअल. और मेरे को पता है, मैं टी शर्ट खरीदने के मैं आईफोन खरीद के आ गया. और 12 पेज. हाउ डम प्रूफ डिड यू मेक दीज थिंग्स यार. मतलब कितना उसमें प्रिकॉशन लिख दिया, इतना धीरे लिख दिया कि हाँ आँख बंद करना, हाथ आगे बढ़ाना, कपड़ा उठाना, सांस लेना, भगवान का नाम, इतना कर दिया. क्या कर दिया 12 पेज कैसे? तो आई स्टार्टेड रीडिंग. टर्न्स आउट फर्स्ट पेज के फ्रंट एंड बैक 15 और 15 30 डिफरेंट लैंग्वेजेस में 100% कॉटन. 30 बार जिसमें 100% आर मैथमेटिकल सिंबल्स. तो मेरे सामने तो सिर्फ कुतों तांग तींग तांग यही हो रहा है खाली, और उसमें इंग्लिश है भी नहीं. तो भी मैं समझ गया ये कॉटन ही है क्योंकि मैं छू सकता हूं ना. ऐसा कोई नहीं है जो कि छूने की सुपर पावर खराब हो जाए उसके पास. 12 पेज. सेकेंड पेज पे 15 और 30 भाषा में मेड इन बांग्लादेश. ये कैसे पेट्रियटिज्म टी शर्ट की साइड में चिपका के तुम घूम रहे हो कि नहीं धोबी को पता होना चाहिए कहाँ से आया है यार. उसको क्या करना, बांग्लादेश आया कहाँ से भी आया. एंड एक तो मेरे हाउ अनश्योर डू यू हैव टू बी एज अ कंपनी कि भाई जितनी भाषा आते हैं सब में लिख दे. हमारी पता नहीं हर जगह स्मगल हो जाती है यार, हर जगह पहुँच जाती है. पर जहाँ पर भी पहुँचे वहाँ के धोबी को पता होना चाहिए पानी 103 डिग्री पे गर्म करना है, नहीं तो शायद कपड़ा ही नहीं धुलेगा, पता नहीं क्या हो जाएगा. और मैं हर शो में ना यही प्लेन ब्लैक टी शर्ट, और मैंने देखा इसमें एक ही बनना है. मैं सोच रहा हूँ अगर ये 1 मार्क क्वेश्चन हो सकता था. और इसमें ऐसा क्या है कि मेरे कपड़े बच जाएंगे. लाइक आई एम गोना रीड इट आउट यू. फर्स्ट इज 100% कॉटन. एक बार तो बता दे, जस्ट इन केस किसी ने बचपन से ही खाली फुटबॉल जर्सी पहनी हो, यू नेवर नो, हो सकता है. मशीन वॉश ओनली. ओनली कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? कंपनी ने रिसर्च किया, बंदा बॉस के पास जाके बोल रहा है, सर हमने 300 जन से हाथ से धुलाया, धुला ही नहीं सर, धुल ही नहीं रहा सर, हमने धोबी मंगवाया सर बाहर से इंपोर्ट किया, धोबी धुल ही नहीं रहा सर, फिर मशीन में डाला फट धुल गया, पता नहीं कैसे सर, हमें तो लिखना ही पड़ेगा सर. ऐसा तो कभी नहीं होता ना कि धोबी सारे कपड़े लेके आ गया, एक टी शर्ट नहीं लाया. सर वो मशीन खराब हो गई थी ना, हमने साइड वाली पर्ची पढ़ ली, आपके कपड़ों का बहुत ध्यान रखते हैं सर हम. टंबल ड्राई लो. देखो अपने को नहीं समझ में आया तो धोबी को तो घंटा ही समझ में आ रहा है. मैंने कपड़े धोए, मेरे को नहीं पता मैंने कौन से पार्ट में टंबल ड्राई लो कर दिया. I don't know what actions would translate into this also. Warm iron. पता नहीं इसके साथ होता होगा ना, ये आयरन करते हुए बाजू वाले को बोलता होगा 1 मिनट फ्रीजर में रखिए, 2 चिल्ड बाहर रख देते हैं, थोड़ी गर्म हो जाएगी ना, फिर आयरन करेंगे, मजे आ जाएंगे. Oh, this is my favorite. Do not iron on print. रुमाल में डाला हुआ है, अंडरवेयर में डाल देते। तुम अंडरवेयर में फीलिंग वाली फटफट कीड़ा घूम रहे हैं। अब तुम पब्लिकली तो फिजिट नहीं कर सकते ना हर जगह। यू लुकिंग फॉर अ बाथरूम, इमेजिन द प्लाइट। ठीक है, तुमको बाथरूम मिला, यू गो देयर, यू पुल डाउन योर पैंट्स, पुल डाउन योर अंडरवेयर। कीड़ा कहाँ गया? नहीं था यार, 100% क्यों नहीं मिल रहा? 2-3 ही तो छेद है, कहाँ छुप गया यार? बालों में घूम रहा है, पता